हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आउटलायर रिमूवल एंड डिटेक्शन पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू आउटलायर्स पढ़ा। इस वीडियो से वी आर गोइंग टू लर्न वेरियस टेक्निक्स जिनको यूज करके आप आउटलायर्स को डिटेक्ट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग सबसे फेमस टेक्निक पढ़ेंगे, दैट इज जेड स्कोर वाला टेक्निक। इट्स कॉल्ड जेड स्कोर आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो टेक्निक है, इसमें एक अजम्पशन है कि आप जिस भी कॉलम के ऊपर काम कर रहे हो वो कॉलम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए या फिर ऑलमोस्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सो आई होप यू ऑलरेडी नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट्स अ वेरी फेमस थिंग इन स्टैटिस्टिक्स। अ नॉर्मल बेल कर्व लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब आपकी बहुत सारी वैल्यूज सेंटर में होती हैं और कम कम वैल्यूज दोनों एंड पे होती है। ठीक है, तो ये बेल कर्व है और नेचर में ये बहुत जगह दिखाई देता है। आपका लोगों की हाइट हो गया, वेट हो गया, एग्जाम में मार्क्स हो गए, ये सारी चीजें नेचर में बेल कर्व फॉलो करती हैं, नॉर्मल कर्व फॉलो करती हैं। ठीक है, अब नॉर्मल कर्व का बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर आप एक रूल की तरह हमेशा मान सकते हो कि आपके मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी पर, आपके मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी पर दोनों साइड 68% पॉपुलेशन लाई करेगा। मतलब अगर आप एक रेंज निकालो, आपके पास अगर कोई भी डेटा है आप उसका मीन निकाल सकते हो, आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। सो अगर आप ये कैलकुलेशन करो, मीन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं, मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस रेंज में आपकी 68% वैल्यूज आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगर आप इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा दो और 2 सिग्मा ले लो तो यहां पर आपकी ऑलमोस्ट 95% वैल्यूज आएंगी, और अगर आप इसको 3 टाइम्स कर दो इस रेंज को तो आपके 99.7 वैल्यूज इस रेंज के अंदर आती है। तो लोगों ने एक अजम्पशन लिया, मैथमेटिशियंस कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने एक अजम्पशन लिया कि अगर कोई भी वैल्यू इन बाउंड्री के बाहर है, कोई भी वैल्यू अगर इन बाउंड्रीज के बाहर है इस साइड या फिर इस साइड, तो आप उसको आउटलायर की तरह ट्रीट कर सकते हो। एंड गेस व्हाट, ये अजम्पशन जो है ये बहुत सिनेरियोज में बहुत सही काम करता है। तो ये जो पूरा टेक्निक है इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। आपको अपने कॉलम के ऊपर बस ये चेक लगाना है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, या फिर क्लोज टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। अगर है तो फिर आप क्या करते हो, आप ये रेंज फाइंड करते हो। यू फाइंड आउट दिस रेंज, म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और उस रेंज के बाहर जितने भी आपके रोज हैं उन सबको आप आउटलायर मान लेते हो। ठीक है, नाउ यू माइट बी थिंकिंग तो फिर इस टेक्निक को जेड स्कोर क्यों बोला जाता है, हमने जेड स्कोर तो कैलकुलेट किया नहीं। जेड स्कोर अगर आपको पता होगा तो जेड स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, आप अपने सारे वैल्यूज का ट्रांसफॉर्म वैल्यू निकालते हो बाय डूइंग दिस, एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एज बोल के एक कॉलम है उसमें अलग अलग वैल्यूज हैं तो आप हर वैल्यू के लिए एक्स डैश निकालोगे, 27 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू निकालोगे, 32 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू निकालोगे, एंड दैट इज हाउ यू जेड ट्रांसफॉर्म द एंटायर डेटा। बट अगर आप ध्यान से देखो और यहाँ पे अगर आप इस नंबर को 3 मान लो, ट्रांसफॉर्म वैल्यू को 3 मान लो, तो इन अ वे आप यही चीज तो कर रहे हो। सोच के देखना, दोनों चीजें एक्चुअली एक ही हैं। आप जब इस रेंज के अंदर चीजों को रख रहे हो तो आप जेड स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो सारे वैल्यूज का और चेक कर रहे हो कि किनका जेड स्कोर -3 से 3 के बीच में है। जब भी आप ये चीज कैलकुलेट करते हो आप एक्चुअली जेड स्कोर ही कैलकुलेट करते हो, राइट? और अगर वो -3 से 3 के बीच में है बिकॉज आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेके चल रहे हो तो इसका मतलब वो आउटलायर नहीं है। अगर वो इस रेंज के बाहर है उसका जेड स्कोर, इट मीन्स इट इज अ आउटलायर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पॉइंट इस रेंज के बाहर है,
मतलब कि आउटलायर है तो क्या करें? तो फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब आउटलायर का डिटेक्शन तो हो गया, आउटलायर का ट्रीटमेंट कैसे करना है उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक अपना होता है ट्रिमिंग और दूसरा होता है कैपिंग। ठीक है, मान लो कि ये -3 से 3 के बीच में जो वैल्यूज हैं, इससे बाहर 5 वैल्यूज आई, 5 ऑब्जर्वेशंस आर आउटलायर्स। तो ट्रिमिंग वाले केस में आप क्या करोगे कि आप उन 5 रोज को हटा दोगे। सो मान लो आपके पास 1000 रोज थे शुरू में, उनमें से 5 रोज आपके आउटलायर्स निकले, तो आप उनको ट्रिम कर दोगे। अब आपका जो नया डेटा सेट होगा उसमें 995 रोज होंगे। ठीक है, सिंपल है। अब ट्रिमिंग में कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज्यादा आउटलायर्स अगर निकल गए तो बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर डेटा इज बीइंग रिमूव्ड, तो दैट इज बैड। तो उससे बचने का तरीका होता है कैपिंग। कैपिंग में आप क्या करते हो कि ये जो 5 लोग हैं, डिपेंडिंग ऑन वो लोअर साइड है या अपर साइड है, आप उनकी वैल्यूज को कैप कर देते हो। मैक्सिमम होगा तो 3 हो जाएगा और मिनिमम होगा तो -3 हो जाएगा। दैट इज वॉट यू डू। मतलब आई विल शो यू, मतलब मान लो ये आपका एज का कर्व है और आपका म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मान लो 80 है। हायर जो अपर लिमिट है आउटलायर नहीं होने का, दैट इज 80, और म्यू माइनस 3 सिग्मा इज 5। जो लोएस्ट है आउटलायर नहीं होने का वो 5 है। अब मान लो आपकी 3 वैल्यूज आउटलायर निकली, एक का वैल्यू था 85 एज, एक का 3 और एक का 90। तो आप इन तीनों को ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, कैप कैसे करोगे? 85 को आप 80 बना दोगे, 3 को आप 5 बना दोगे, 90 को आप 80 बना दोगे। दिस इज वॉट यू डू इन कैपिंग। बहुत सिंपल है, आप कैप लगा दे रहे हो कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, अगर इससे ऊपर गए तो मैक्सिमम वैल्यू आपका यही हो जाएगा, एंड दैट्स इट। इस आउटलायर रिमूवल टेक्निक में आपको बस इतना ही करना है। आई विल क्विकली समराइज दिस। आपको सबसे पहले ये श्योर होना है कि जिस कॉलम के ऊपर आप काम कर रहे हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर क्लोज टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत ज्यादा स्क्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्क्यूड है तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टेक्निक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो यू हैव टू बी श्योर कि आपके पास जो डेटा है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टेप 2, फाइंड आउट मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड आउट करो, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको ट्रिम करना है या फिर आपको कैप करना है। ट्रिम करना है तो बहुत सिंपल है, सब कुछ हटा दो, और कैप करना है तो फिर मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज से रिप्लेस कर दो आउटलायर की वैल्यूज को। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एक कोड दिखाता हूँ जहां पे मैंने ये सेम टेक्निक यूज किया है। सो मेरे पास एक डेटा सेट है placement.csv, और इस डेटा सेट में इफ यू सी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ये किसी कॉलेज का डेटा सेट है जहाँ पे एक कॉलम में स्टूडेंट का CGPA है आफ्टर 7 सेमेस्टर्स, क्योंकि जनरली आपका आफ्टर 6 सेमेस्टर्स, क्योंकि 7 सेमेस्टर में जनरली इंडिया में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है, और ये है प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स। सो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हो तो आपको शायद पता होगा कि आपका प्लेसमेंट के पहले एग्जाम होता है, वही यार एप्टीट्यूड टेस्ट, कोडिंग टेस्ट, इंग्लिश वगैरह का। तो ये 100 में से मार्क्स हैं उस टेस्ट में, कितने आए उस बच्चे के, और उसके बाद ये बताया हुआ है कि उस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। सो यू कैन सी एक बच्चा है जिसका CGPA 7.09 है, उसने सिर्फ 19 मार्क्स स्कोर किए बट उसका प्लेसमेंट हो गया। ये बच्चा है जिसका 6.98 CGPA है और प्लेसमेंट मार्क्स 41 है बट उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो जो भी है, मतलब दिस इज द डेटा सेट दैट वी हैव। ऑब्वियसली मेरे पास 2 कॉलम्स हैं जिनके बारे में मुझे सोचना है कि इनमें आउटलायर्स हैं कि नहीं। वन इज CGPA, सेकंड इज प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया। ठीक है, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है CGPA का और ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स का, और ये करने से मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि मेरा जो CGPA है वो बहुत बढ़िया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट मेरा जो मार्क्स है वो थोड़ा स्क्यूड है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन देख के लग रहा है कि जो एग्जाम था वो डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के मार्क्स कम आए हैं और फिर बहुत कम लोगों के मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम आई गेस। CGPA यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट इज फाइन। तो ये बात तो समझ में आ गया कि हमारा जो जेड स्कोर वाला टेक्निक है वो हम सिर्फ
पहले वाले कॉलम पे लगा सकते हैं, दैट इज सीजीपीए वाला कॉलम. वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन प्लेसमेंट मार्क्स बिकॉज दिस इज स्क्यूड. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाया कि मीन कितना है सीजीपीए का, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है. और ये सब करने से यू कैन सी कि मीन वैल्यू 6.96, मतलब ऑन एन एवरेज 6.96 सीजीपीए है बच्चों का, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 0.61 का है. मिनिमम वैल्यू किसी बच्चे का मार्क्स 4.89 है और किसी बच्चे का मार्क्स 9.12 है. ठीक है, और अब मैंने क्या किया, मैंने बाउंड्री वैल्यूज फाइंड की. कैसे, मैंने मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन किया, ये मेरा अपर लिमिट हो जाएगा, और फिर मैंने मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन किया, ये मेरा लोअर लिमिट हो जाएगा. एंड यू कैन सी ये है मेरा हायर लिमिट, इसके ऊपर सब कुछ आउटलायर, और 5.11 इसके नीचे सब कुछ आउटलायर. ठीक है, तो अब लेट्स डिटेक्ट कि कितने आउटलायर्स हैं हमारे डेटा में. बहुत सिंपल, मैंने एक कोड लिखा कि अगर सीजीपीए 8.80 से ज्यादा है या फिर सीजीपीए 5.11 से कम है, मुझे वो रोज दिखाओ. और ये कोड करते ही यू कैन सी कि मुझे 5 ऐसे बच्चे दिखाई दिए जिनका मार्क्स अलाउड रेंज के बाहर है. ठीक है, सो एक बच्चे का 4.92 है और 8.87 है अपर साइड, 9.12 है जो टॉपर है अपना, 4.89 है, 4.90 है. ये 5 बच्चे हैं और इन 5 में से 4 का प्लेसमेंट हो गया है. दैट इज सरप्राइजिंग, बट मतलब सरप्राइजिंग इन द सेंस कि जो कम वाले उनका नहीं होना चाहिए था, बट आई गेस वो लोग फोड़ू होंगे तो हो गया उनका. जो भी है, मतलब ये रहे हमारे आउटलायर्स. तो अब बस हमें अपने आउटलायर्स तो पता चल गए, रो नंबर 485, 995, 996, 997 एंड 999. ये बच्चे हमारे आउटलायर्स हैं, हमें इनको रिमूव करना है. और रिमूव करने के 2 तरीके हैं, इधर वी कैन गो फॉर ट्रिमिंग और वी कैन गो फॉर कैपिंग. ठीक है, तो पहले मैं आपको ट्रिमिंग करके दिखाता हूँ. तो ट्रिमिंग के केस में आपको बस कुछ नहीं करना, मैंने ये सिंपल सा कंडीशन लिख दिया कि मुझे सिर्फ वही रोज चाहिए जहां पे सीजीपीए 8.80 के नीचे है और 5.11 के ऊपर है, एंड कंडीशन लग गया. और मैंने इस डेटा को एक नए डेटा फ्रेम में डाल दिया. एंड यू कैन सी 5 आउटलायर्स थे. टोटल डेटा बाय द वे मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का था. यू कैन सी दैट, मैंने शायद लिखा नहीं यहाँ पे. मेरे पास जो टोटल डेटा है वो 1000 स्टूडेंट्स का है, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है. तो 5 आउटलायर्स हैं, मतलब ये जो न्यू डीएफ बनेगा इसमें 5 बच्चे कम होंगे, तो हमारा जो नया डेटा फ्रेम बनेगा उसमें 995 रोज होंगे. ट्रिम हो गया. ठीक है, और एक सेकेंड अप्रोच भी है. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप एक नया कॉलम निकालो. ठीक है, हर बच्चे के लिए आप उसका जेड स्कोर कैलकुलेट करो. जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बता रखा है. जेड स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला. हर वैल्यू को उसके मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो. तो मैंने वही किया, मैंने पूरे के पूरे सीजीपीए कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया उसकी मीन वैल्यू से और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया. और ये करने के बाद यू कैन सी अब मेरे पास हर बच्चे के लिए एक जेड स्कोर है. ठीक है, अब मुझे उन बच्चों को ही रखना है जिनका जेड स्कोर इज इन द रेंज ऑफ -3 to 3, उसके बाहर दोनों साइड आउटलायर्स हैं. तो मैंने चेक किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो लोग 3 के आगे हैं. तो यू कैन सी 2 बच्चे हैं, 8.87 वाला और 9.12 वाला, इन दोनों का जेड स्कोर 3 से ज्यादा है और -3 से कम इन 3 बच्चों का है, 4.92, 4.89, 4.90. ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है हमें, हमें सिंपली ये कोड लिख लेना है. ये बाय द वे ये दोनों को साथ में दिखाने का तरीका हो गया, 5 बच्चे. और ट्रिमिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना, फिर से ये लॉजिक लगा देना है. और ये लॉजिक लगा के जब हमारा न्यू डीएफ बना तो वहां पर भी एग्जैक्टली हमारे पास 995 रोज है. ठीक है, तो दोनों तरीके सेम है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, मैंने बस आपको दोनों करके दिखा दिया. अब बात आती है कि व्हाट इफ मुझे उनको कैप करना है, कैपिंग करना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से बाहर नहीं जाने देना है विदाउट ड्रॉपिंग देम. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक वेरिएबल में डाल दिया. ये देखो दोनों को मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया. ठीक है, सो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा अपर लिमिट है 8.80 और मेरा लोअर लिमिट है 5.11. ठीक है, अब मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा जो कि बहुत ही सिंपल है. मैंने लिखा np.where में आप 3 चीजें प्रोवाइड करते हो, पहला कंडीशन, दूसरा
उस कंडीशन को, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उस वैल्यू को किस चीज से रिप्लेस करना है, और थर्ड अगर वो वैल्यू, अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करना है। मतलब जब आप np डॉट वेयर लिखते हो, np डॉट वेयर के अंदर आप तीन चीजें पास करते हो, x, y एंड z। x क्या होता है, x एक कंडीशन होता है, ठीक है। y क्या होता है, y होता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या करना है, और z क्या होता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या करना है। तो मैंने यहां पे ये लिखा कि np डॉट वेयर, ये रहा मेरा कंडीशन कि अगर मेरा CGPA कॉलम का पर्टिकुलर रो का वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है तो उस वैल्यू को रिप्लेस कर दो विथ द अपर लिमिट। मतलब अगर अपर लिमिट 9 है तो उसको रिप्लेस कर दो 8.80 से, ठीक है। और अगर फॉल्स है तो मैंने एक और np डॉट वेयर कंडीशन लगाया और मैंने लिखा कि अगर वो वैल्यू लोअर लिमिट से कम है तो उसको लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दो। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं हो रही है तो फिर जो वैल्यू है उसको एज इट इज रहने दो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत एफिशिएंट कोड के थ्रू मैंने ये लॉजिक अप्लाई किया कि मैं रो बाय रो जा रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं CGPA का वैल्यू कितना है। अगर CGPA का वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है तो मैं उसको अपर लिमिट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, अगर लोअर लिमिट से कम है तो मैं उसको लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब बीच में है, मैं उसको एज इट इज रहने दे रहा हूं, और इससे जो भी वैल्यू आ रहा है उसको मैं वापस CGPA कॉलम में डाल दे रहा हूं। एंड यू कैन सी कि अब जब मैंने CGPA कॉलम के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल CGPA कॉलम अगर अब मैं देखूं, मतलब df डॉट शेप अगर मैं निकालूं, तो यू कैन सी अभी भी 1000 रोज बाकी है मेरे पास, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। और अगर मैं CGPA के ऊपर डिस्क्राइब लगाऊं तो यू वुड सी कि हमारा मीन ऑलमोस्ट उतना ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट उतना ही है, हमारा जो मिनिमम वैल्यू है अब वो 5.11 है 4.89 के बदले। यू कैन सी ऊपर यहाँ पे हमने निकाला था कि हमारा मिनिमम वैल्यू इज 4.89, मैक्सिमम वैल्यू इज 9.12, और ये स्टेप करने के बाद यू वुड सी मैक्सिमम इज 8.80 एंड मिनिमम इज 5.11, तो हमने कैपिंग कर दिया, ठीक है। तो यही है गाइस, ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसका बस एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही काम करता है, बट अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिले तो बिना टेंशन के आप इसको अप्लाई करो, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।